हेलो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। चलिए आज कुछ फ्लावर्स के बारे में आज हम समझते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कौन से। ओके, चलिए तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है, आप देख पा रहे हो, ये है ना। और मैं नज़दीक ले चलता हूँ ताकि और अच्छे से आपको देख पाए। तो आप देख पा रहे हो बेटा, ये जो रेड कलर के बाहर निकले हुए 5 स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। अभी ये हवा चल रही तो हैंगिंग है, बट आप अपने घर में भी ऐसे देख सकते हो। और ये अब दिख पा रहा होगा 5। सो इन 5 को हम स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये देखो, ये स्टाइल होता है। और यहाँ बेस पे नीचे यहाँ पे ये होती है ओवरी, जहाँ चींटियाँ टहल रही हैं। ओके, ये जो कलरफुल पार्ट है ये होता है पेटल। और ये जो ग्रीनिश येलोविश कलर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है सेपल। अब यहाँ पे एक और आपको स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा होगा ना, है ना, ये ब्रैक्ट, ये जो है स्टार लाइक, दिख पा रहा बच्चों। तो इसको हम कहते हैं एपिकैलिक्स। ये किसी किसी में होता है और किसी किसी प्लांट में नहीं भी होता है। अब आप देख पा रहे हो ना, यहाँ चींटियाँ टहल रही हैं। तो चींटियों का काम क्या है यहाँ पे? पॉलिनेशन करने का, ठीक। अब पॉलिनेशन क्या होता है, तो आप ये जो येलो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इसमें, लेट मी होल्ड दिस वन, ओके। तो ये क्या है, बहुत सारे एंथर हैं। अब इसी एंथर में पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, है ना। ये पॉलन ग्रेन या तो एयर के थ्रू उड़ के इस स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, या इंसेक्ट इसे लाती हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स में इंसेक्ट लाते हैं, यहाँ पे एंट्स वो इंसेक्ट हैं जो इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाएंगे, तो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं, उनको पॉलिनेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेटर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैलिक्स का काम क्या है, तो अगर एक छोटा सा बर्ड आपके सामने ये दिख रहा है, कैन यू ऑब्जर्व, अच्छे से देख पा रहे हो बच्चों, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि कैलिक्स ने बाकी सभी पार्ट्स को यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड की है। ये क्लियर हो रहा अच्छे से? थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ओके, है ना, देख रहे हो। तो कैलिक्स का काम सेफ्टी देने का है। अब ये जो कलरफुल पार्ट है, यानी पेटल और ये ग्रीन वाला है सेपल, इसको नॉन एसेंशियल पार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर है और जो येलो कलर के स्ट्रक्चर है, यानी एंथर एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कि आप एंथर कह रहे हैं येलो वाला, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के हिस्से हैं। ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं। एक और ऐसे ही सुंदर से फ्लावर को आप एग्जामिन करिए, ओके, आप देख पा रहे होंगे येलो कलर के एंथर्स को। कितने लोग हैं जो देख पा रहे हैं? गुड। अब आप इसमें हैं, एंथर्स बर्स्ट भी हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पॉलन ग्रेन भी आपको दिखेंगे। ये काफ़ी हिलता डुलता सा, लेट मी होल्ड दिस वन, ताकि ये हिले कम और आपको दिखे ज़्यादा, ओके, गुड। ओके, दिख रहा बच्चों? अभी इसमें बहुत सारे एंथर फट चुके हैं, बर्स्ट हो चुके हैं। तो जो गोल गोल डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या हैं? पॉलन ग्रेन्स हैं। तो आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया होगा फ्लावर के स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं। ओके, यही आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक रोज़ का फ्लावर है, यहाँ भी कैलिक्स है और इसने कोरोला को और बाकी सब पार्ट्स को ढक के रखा है। आप देख सकते हो, इसको हम ट्रम्पेट फ्लावर कहते हैं, टिकोमास्टेंस, इसको आपने खूब देखा होगा। चलिए इसको और नज़दीक से देखते हैं, ओके, यहाँ बहुत सारे अंट्स, बहुत सारी चींटियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये पॉलिनेशन करने में बहुत मदद करती हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे फ्लावर्स हैं जिनको
कैलिक्स ने घेर के रखा है, और ये बहुत सारे येलो कलर के आपको पेटल भी दिख रहे हैं, ये देखिए। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।